फिर जब आप अपनी उंगलियों को हमारे बालों के बगीचे में फैलाती हैं, तो लाइफ का मजा ही कुछ और हो जाता है भाई। ये आप क्या कर रही हैं मछुआरा? अरे भाई, जो सिर्फ मैं ही कर सके हूँ बस। एक मिनट, अरे क्या आपने हमारे बालों को बाली उम्र का सलाम समझ रखा है, जो अपनी उंगलियों के फवारे से अश्लीलता की बरसात कर रही है? मक्खन सिंह, यो अश्लीलता कोई ना है, यो मारा प्यार से। अरे जेब में ठूसी अपने इस वासनामयी प्यार को, और खबरदार अगर आइंदा आपने अपनी अश्लील नजर डाली हमारे ब्रह्मचारी बालों पर। डालूंगी, क्योंकि यो थारे बाली तो हैं जिन्हें पहली बार देख के मैं फिदा होगी थी। Well, you are right. हमारे बाल वैसे सेक्सी हैं, और जब जब हमारे बाल लहराते हैं तो साथ साथ हजारों हजारों कुंवारियों के दिल लहराते हैं। लेकिन खबरदार, हमारे बाल जो हैं ना तो कुंवारियों के लिए हैं और ना आप जैसे कुंवारे के लिए। और अगर आइंदा आपने अपनी अश्लील नजर हमारे बालों पर डाली तो हम स्वयं कैंची लेकर अपने बाल काट देंगे। आई विल बिकम बाल्ड, गंजा टकलो। अरे ऐसा कतई कोई ना करियो तू मक्खन सिंह, ना बालों को गंजा करना तो दूर, जो तैने कतई कोई भी छेड़खानी की ना तो खोपड़ी में गोली दाग दूंगी। चंद्रमुखी चौटाला कुछ भी बर्दाश्त कर सके, पर थारे बाल और हमारे होने वाले बच्चों के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त ना कर सके, समझा तू? यार गुलगुले, वो मेरी पड़ोसन है ना कमला की टेली, मैंने जैसे ही उसे कहा उसने तुरंत हाँ कर दी। गोभी तू भी बड़ा रसिया है। रसिया नहीं, चौरसिया, टहलते टहलते। देखिए मेरा नाम है ना चिरकुट चौरसिया है, टहलते टहलते। मैं ना FIR लिखवाना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ क्या? बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई थी, कल मेरी मंगनी थी, तो मैंने सोचा कि अपने काले घने लंबे बालों में मैं शैम्पू कर जाऊँ, तो मैंने मार्केट में से एक शैम्पू की बोतल खरीदी। जैसे मैंने शैम्पू लगाया ना तो मैं गंजा हो गया, और मेरी होने वाली बीवी ने मेरे साथ मंगनी करने के लिए मना कर दिया टहलते टहलते। तो शैम्पू लगाने की वजह से उसने मना कर दिया? जी नहीं, मैं गंजा हो गया इसलिए उसने मना कर दिया। फालतू में हमें शैम्पू की कहानी क्यों सुना रहे हो? क्योंकि शैम्पू की वजह से मेरी शादी टूट गई ना। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा गंजे होने की वजह से शादी टूटी। लेकिन गंजा तो मैं शैम्पू की वजह से हो गया ना। अरे तो शादी किस वजह से टूटी? क्योंकि मैं गंजा हो गया इसलिए। तो क्या लड़की को पहले से नहीं पता था कि तुम गंजे हो? लेकिन मैं पहले गंजा नहीं था, मैं बाद में गंजा हुआ हूँ। ओह, शादी के बाद? लेकिन शादी हुई कहाँ है अब तक? तो शादी कब है? बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई थी, कल मेरी मंगनी थी, तो मैंने सोचा कि बालों में शैम्पू करके जाऊं, तो मार्केट में से मैंने शैम्पू खरीदा, जैसे शैम्पू लगाया तो मैं गंजा हो गया। अब वो शैम्पू बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुझे FIR लिखवानी है, टहलते टहलते। अरे तो ऐसा बोलो ना यार, फालतू में हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? एक काम करो, तुम बाद में आओ, हम तुम्हारा ये झाग वाला केस मैडम तक पहुंचाते हैं, तुम कल आओ, ठीक है? ओके, करेंगे ना। अरे यार पंबलपूस में मत डालो, जाओ यहां से। टहलते टहलते हो जाएगा, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। टकलू, ओहो, ना तो यो बात से, ना उस चिरकुट चौरसिया के बालों के गुलदस्ते में से गुल तो सारे झट गए, मतलब दस्ता ही दस्ता रह गया है। हाँ जी जी मम्मी जी। नहीं, चिरकुट चौरसिया के झड़े हैं बाल, अब हम उस शैम्पू वाले से झड़वाएंगे बाल। ओहो, ना छोरी जो है घनी समझदार हो रही। बेटा सुन, ना बाहर जो पापड़ी चाट वाला है ना, ना उससे कह, मैडम ने कहा तन्ने जितनी मर्जी फ्री में चाट खिलाए, चल निकल। ओ मैडम, फिर हो जाए वो शैम्पू वाले को फोन। हाँ मैं बात करता हूँ। हेलो, फोन रख, फोन। हेलो बोल। हेलो, अबे हेलो बोल। हेलो। हेलो। अरे हेलियो क्या, फेलियो मत, हेलो बोल। हेलो। तू बोल। हेलो, गुड, तू फोन लगा, और आज से चौकी के सारे काम तू ही करेगा बेटा। मैडम ये क्या, मैडम मैं लगा रहा था ना, मैडम मैं एक हेलियो के लिए आप मुझे क्यों? हाँ जी, की हाल चाल है? हाँ जी, आप ही शैम्पू तैयार करते हैं ना जी? हाँ जी, मम्मी जी ने आपको नहीं थाने बुलाया जी, आप आ जाओ जी। क्या रॉन्ग नंबर है? फोन लगवा मैडम, लगवाइए इसे, लगवाइए आप इसी से, फोन लगवाइए। तू लगा।
हेलो नाम जी धनसुख धमालिया। काम लोगों को गंजा करना। शरीफ आदमी से? हाँ तो भाई धनसुख धमालिया ना के धमाल मचा रखा था मोहल्ले में ना लोगों ने गंजा करता फिर है तू जी गलती से मिस्टेक हो गई हड़बड़ी में। ओहो ना जब मारे से होगी ना गलती से मिस्टेक तो थारे चौथे पे गंजे होके आएंगे थारे रिलेटिव हड़बड़ी में। ओ मैडम क्या है ना कि मेरे दो बिजनेस है और दोनों की फैक्ट्री एक ही जगह है। एक में शैम्पू बनता है और दूसरे में हेयर रिमूवर। जी गलती से मिस्टेक हो गई हड़बड़ी में और एक सिर्फ एक शैम्पू की बोतल में गलती से हेयर रिमूवर चला गया और उस व्यक्ति ने उस हेयर रिमूवर की बोतल को शैम्पू की बोतल समझ के खरीद लिया हड़बड़ी में। अरे तो शैम्पू की बोतल को शैम्पू नहीं समझेगा तो क्या पुदीने की चटनी समझेगा? मैडम आप ही मुझे बचा सकती हैं। ना यो तो सत्य बात है भाई। नाम क्या बताया था तेने? जी धनसुख धमालिया। भाई मन ने कैसे बेरा कि तू धनसुख से? भाई मन ने तो कोई धन का सुख प्राप्त कराया नहीं तेने। जी कितने भिजवा दूं? एक रुपया। एक? नहीं नहीं मैडम एक रुपया नहीं, मैं आपके पास 10,000 रुपए भिजवा देता हूँ हड़बड़ी में। एक रुपया एक बाल की कीमत से? हाँ सुन रहे गुलगुले, न उस आदमी के टकले पर न कितने बाल रहे होंगे बेटा। मैडम उसके टकले के क्षेत्रफल को देखते हुए कम से कम हो ना हो उसके सर पे 10,00,000 बाल तो रहे होंगे। 10,00,000? सोच लो हमें दोगे 10,00,000 का जेल की छानोगे खास? हाँ तो भी 10,00,000 लेने चले हड़बड़ी में। चलिए हड़बड़ी में। रोना नहीं रोते नहीं, पैसों का मामला है, चलो। ओके जल्दी लाइए 10,00,000। योधर। अरे गुलगुले ऐसे नहीं ऐसे, सी लाइक दिस। मैं आ गया हूँ टहलते टहलते। ना तो के करूं मैं ना पीटी शूज पहन के जो है थारे साथ रेस में भग लूं टहलते टहलते। आपकी तारीफ। समझ गया मैडम मेरे केस का क्या हुआ? देखो भाई हमने तुम्हारे केस के बारे में मैडम को बताया और मैडम ने काफी सोच विचार किया तुम्हारे केस के बारे में। ओ ना सब तू ही बोल ले ना, मैं रेजिग्नेशन दे देती हूँ इस्तीफा है। सुन भाई ना घड़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि थारी जो FIR है ना हम कोई दर्ज ना कर सके। लेकिन क्यों? अरे मेरे बाल उस बाल उड़ाऊ शैम्पू ने पूरे खर्च कर दिए और आप मेरा केस दर्ज नहीं करना चाहती टहलते टहलते। अबे ओए मम्मी जी ने कह दिया ना FIR दर्ज नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन क्यों? अरे मरने के सपना आवेगा ना, मरने कैसे बेरागी थारे सर पे कभी खेती थी? खेती थी मतलब? अरे मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम पैदाइशी गंजे हो या उससे पहले भी हो सकता है। उस शैम्पू वाले से हो गई हो तुम्हारी टकरार इसीलिए तुम लिखवा रहे हो झूठी FIR। साबित कर कि थारे सर पे बाल थे। सुन बेटा थारा जो फेस हो रहा ना बेबी फेस क्यूट, तो इसलिए जो है मैं तन्ने 3 bis ग्रांट कर रही हूँ। 3 chance में जो तेने प्रूव कर दिया कि थारे सर पे बाल थे तो थारे उस शैम्पू वाले न उस के नाम हो रहा उसका धनसुख धमालिया, गुड, न उस धनसुख धमालिया ने गंजा करके गंजी पहना के मैं लॉकअप में डाल दूंगी। आर यू हैप्पी नाउ? मैडम आप बिल्कुल टेंशन ना ले। अरे 3 बार क्या, मैं एक ही बार में साबित कर दूंगा कि मेरे सर पे बाल थे टहलते टहलते बेबी फेस। मम्मी मेरे को ये बताओ ना कि वो इंस्पेक्टर नहीं यहाँ से कैसे आई और वहाँ कैसे चली गई? बेटा यो हमारे थाने का जो है ट्रेड सीक्रेट हो रहा है ना, सबको बताते फिरेंगे तो के हाल होगा हमारा। निकल यहाँ से, अब मजे में आ गया तू, चल निकल। अरे मैं तो बेबी हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आएगा ना। क्या बेबी?
बाय बाय मम्मी, बाय अंकल, बाय अंकल, सबने बता दे हमारे ट्रेड मैडम एम आई बी बी फेस औरत, यू आर क्यूट, वेरी क्यूट। मम्मी जी मैं भी बेबी लगता हूँ। तू सौ बेबियों का डैडी लगता है। और मैं अरे तू तो थाने की सबसे क्यूट बेबी हो रही है। वेरी क्यूट वेरी क्यूट 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 वैसे काफी काले घने लंबे बाल हैं तुम्हारे। और कितने उठे हुए हैं, ऐसे बाल तो बिग में जूझ होते हैं। सही कहा आपने, कई वीक वाले सालों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने मना कर दिया तब देखो ये शैम्पू वाले मुफ्त में मेरे सारे बाल लेके गए। मैडम अब तो मैंने साबित कर दिया ना कि मेरे लंबे घने बाल थे, तो प्लीज आप मेरी एफआईआर लिख लो ना प्लीज। नहीं, मेरे अंदर की जासूस जग रही है मैडम, ये मुझे बाल नहीं बल्कि विग लग रही है। अरे यो जो है ना यो छोरी, इसका जो है हॉलीवुड में ना केना मुरा छोरे का जेम्स बॉन्ड, ना यो इसका सौतेला ताऊ हो रहा है। तो जो इस छोरी ने कह दिया तो यो बिग से बिग। अरे क्या मैडम क्या बात करती हो, अरे ये मेरे बाल है। ना 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 यो ही डिसाइड हो गया, यो बिगी है बस। ना एक चांस तो तूने गवा दिया है, इब जो है थारे पास दूसरा चांस हो रहा है, तू प्रूफ कर दे कि थारे सर पे बाल थे, वरना तो तू निमट यहां से। चल आ गया, याद आ गया, इस बार मैं ऐसा सबूत लाऊंगा कि वो साबित कर देगा कि मेरे बाल थे और वो भी घने घने टहलते टहलते। हमें अब पूरा यकीन हो गया है कि आप बाकी बच्चों की तरह पाइनएप्पल संतरा या मौसम्बी का रस पी के नहीं बल्कि श्रृंगार रस पी के बड़ी हुई हैं। अरे जब देखिए आपके अंदर अश्लीलता हिलोरे मारती रहती है, कहीं कभी तो स्टेबल होंगी आप। और हम आपको आखिरी बार आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपने फिर हमारे साथ ऐसी बच्चेबीजी की तो हम कुछ कर देंगे। और क्या कर देगा मक्खन सिंह? हम ऐसा कुछ कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकती हैं, समझी? हट गया। रे मक्खन सिंह ओ आ गया मैडम, आ गया सबूत आ गया है टहलते टहलते। आओ भाई बालकों धंधे पे लगो, सबूत आया है भाई। आओ आओ देखो देखो देखो, ये है मेरा नाई कलवा कैची, पिछले 10 सालों से ये मेरे बाल काट रहा है। बताओ मैडम को बताओ क्या कह रहा था तू कि सरकार आपके इतने घने घने बाल हैं कि उसके अंदर मेरी कैंची खोज जाती है, बता टहलते टहलते। हाँ मैडम मैं पिछले 10 सालों से ना कितने सालों से कितने कितने पिछले 10 सालों से मैं इसकी चंपी कर रहा हूँ क्योंकि ये टकला है और मैं उसे रोज कहता हूँ कि काश काश तुम्हारे घने घने बाल होते और मेरी कैंची उनमें खो जाती। कलवा कैंची झूठ मत बोल। खबरदार जो हमारे गवाह को गुमराह करने की कोशिश की तूने, समझा? हाँ गवाह को बरगलाना कानून जुर्म है। नहीं, सारा है इनका झूठा खेल मैडम, ये तो दूसरी बार भी साबित करने में हो गया है फेल। लेकिन तीसरी बार नहीं होगा क्योंकि मुझे याद आ गया है एक तीसरा सबूत, जाकर तुम्हें ये कहेगा कि मेरे बाल थे घने घने वो भी टहलते टहलते। प्लीज आइए ना प्लीज, आपको उठा लूँ तकलीफ ना हो तो आइए ना प्लीज 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 आइए। मैडम देखिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। नहीं यो फटाकड़ी कौन से है? फटाकड़ी नहीं है, ये टुइया है टुइया। टुइया तो उसमें हंसते क्या हो, इसका नाम है टुइया, ये मेरे पड़ोस में रहती है। तो तुम कहाँ रहते हो? मैं इसके अड़ोस में रहता हूँ। अरे तो यो साबित करेगी कि थारे घने घने बाल थे। हाँ अच्छा ना क्यों ना यो थारे बालों से जुए नोचती थी के? अरे उसकी तो नौबत ही नहीं आई। एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले साल मैंने इसको छेड़ा तो इसने मेरे लंबे घने बाल पकड़ पकड़ के मुझे चप्पल से इतना पीटा कि बात मत पूछो। माने इसे साबित होता है कि मेरे लंबे घने बाल थे टहलते टहलते। ओ बीरप्पन की अम्मा ओए माँ ना यो सत्य बोल रहा है।
जी मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि पिछले साल इन्होंने मुझे छेड़ा था और मैंने इनकी बॉल पकड़ पकड़ के इनको चप्पल से मारा था। तो तूने उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? वो मैं बहुत डर गई थी इसलिए। ओ तब डर गई थी, ईब घनी दिलेर हो रही है तो ईब लिखवाएगी। तू यहाँ लिखवा दो ना, प्लीज प्लीज मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दो ना। तू यहाँ देखो तू। नहीं, जब लड़की नहीं है तैयार तो जबरदस्ती क्यों लिखवा रहे हो एफआईआर? करूंगा जबरदस्ती, ये मेरे पड़ोस में रहती है, माने मैं इसके अड़ोस में रहता हूँ। तू यहाँ प्लीज ना लिखना, एफआईआर लिखवा ना मेरे प्लीज। ओ माय गॉड, जस्ट स्टॉप इट, लिखवा रही हूँ मैं एफआईआर। आप लिखिए एफआईआर। वो सब तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बस यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ पर आइए। साइन कर दे मिस टुइया। थैंक यू वेरी मच टुइया। थैंक यू वेरी मच। देखा मैडम, इससे साबित हो गया कि मेरे लंबे घने बाल थे, टहलते टुइया। अरे क्या, हाँ टहलते। यस बेटा, वेरी गुड ना, यो तो साबित हो ही गया है। और एक बात और साबित हो गई है कि तैने जो है ना थोड़ी छेड़ी है। मतलब ये कि इसने एफआईआर में सब लिखवा दिया है। हाँ भाई, अब तो 7 साल की लगेगी, लेकिन ये साबित जरूर हो गया कि तुम्हारे बाल थे। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम प्लीज, मुझे बच्चे ही ना, टहलते प्लीज। देख बेटा, हम हो रहे हैं कानून, और ये तो मैंने एक ही रास्ता दिखे ना, तू जो है अपनी शैम्पू वाली एफआईआर वापिस ले ले, हम अपनी चोरी छेड़ने वाली एफआईआर वापिस ले लेते हैं ना, वरना जो है मजबूरन थारे गले में टैर डाल के ना थन्ने अंदर करके ना ऐसी पिटाई करेंगे, मारे बालक मन ने घना बुरा लगेगा। बेटा बोल, तन्ने मंजूर हो रहा? मंजूर है। टुइया टहलते वेरी गुड। ओहो मिस टुइया, ना घनी गंद मचा ली, प्लीज गो, नाइस मीटिंग, बाय बाय। You're so sweet. Sab kono bolo. Bye. Bye. मैडम मेरी क्या गलती, वो तो जबरदस्ती करके गोलू मोलू करके चली गई, और मेरी कोकी। अरे यो किस प्रकार के रिलेशनशिप चल रहे हैं हमारे थाने में? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तू क्या माने टहलते बात होता बंद? तू घुस ले ना, अपनी तोंद पकड़ा ले साइन। आपकी बारी, कीजिए इधर कीजिए। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो धमालिया जी, हमने जो कहा था वो कर दिखाया ना। थैंक यू जी, आपने मेरी कंपनी में ताला लगने से बचा लिया। ओहो इब लगे आ तो एक काम और कर ले, नहीं इस आदमी ने 5 लाख रुपए दे दे कॉम्पनसेशन। लेकिन क्यों? अबे वाह, पुलिस को 10 लाख दे सकता है, पब्लिक को 5 लाख नहीं दे सकता? ठीक है, दे देता हूँ हड़बड़ी में। चल भाई तिरकुट चौरसिया चल। मक्खन सिंह बावड़ी पूछ, दिल जले भैया। अरे मरने लगा तू, मरने ही वही धमका रहा है। अरे तूने अपने सर के ईब जो है सर मुंडाने के बाद तन्ने जीने का कोई हक ना हो रहा, मैं ये सारी गोलियां थारे खोपड़े में दाग दूंगी। अरे यार क्या आप हमें बोलने देंगी? बाल हमारे गए हैं, हमारी बेइज्जती हो गई है, और आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे आपने ही तो हमारे बालों को चढ़ाया था, कितने घने हैं, कितने सुंदर हैं। अरे आप ही को खुश करने के लिए हम मार्केट गए थे शैम्पू लेने, लेकिन हमें क्या पता था कि ये कमबख्त शैम्पू की बोतल हमारे बाल उड़ा देगी। अब मैं चलूं? ओ न तू किद जा रहा है, यो शैम्पू थारी कंपनी का हो रहा है? जी हाँ। हाँ जी के बच्चे, तेने तो कही थी कि एक ही बोतल में हेयर रिमूविंग क्रीम आई है, तो यो क्या हो रहा? जी वो गलती से मिस्टेक से भूल गया था कि एक नहीं दो बोतलें हैं। सॉरी तो। आगा। 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 आगा।